नमस्कार स्टूडेंट, स्टूडेंट इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, इसलिए इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बीच में दूसरा टॉपिक चल रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन की रखा कि इसे मैं सॉल्व करूँ, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। और रियली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए भी सॉल्व कर रहा हूँ। सेट थ्योरी पर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि आप सेट थ्योरी की चैप्टर की प्लेस देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर आप सेट थ्योरी चैप्टर की प्लेस देख सकते हो। उसमें रियली बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने क्रिएट करें, उन्हें आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है कि एक कॉलेज अवार्डेड, मान लेता हूँ कॉलेज को छोड़िए, आप इसको स्कूल कर लीजिए, ठीक है ना। आपके स्कूल से मैं 58 स्टूडेंट थे, मैं इनको मैं स्टूडेंट मान लेता हूँ, 58 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। उनमें से 38 स्टूडेंट को फुटबॉल में मेडल मिला। नंबर ऑफ द फुटबॉल कितना था? 38, ठीक है। बास्केटबॉल में लेने वाले इन 58 में से, ध्यान रखना ये 58 स्टूडेंट थे आपके स्कूल से, आपके स्कूल से 58 स्टूडेंट कहीं पर गए थे। उनमें से 38 स्टूडेंट जो मेडल लेके आए फुटबॉल में लेके आए, और 15 स्टूडेंट किस में लेके आए? बास्केटबॉल। नंबर ऑफ द बास्केटबॉल कितना था? 15, राइट। और 20 स्टूडेंट जो मेडल लेके आए वो क्रिकेट में लेके आए। नंबर ऑफ द क्रिकेट कितना था? 20, राइट। इनमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तीनों में मेडल लिया। 3 मैन ऐसे थे जिनको तीनों स्पोर्ट्स में क्या मिला? मेडल मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो कितना था? 3 था, ठीक है। और टोटल कितने लोग थे आप मिलाकर? टोटल थे आप नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना था? 58 था। वो ये पूछ रहा है आपसे, ये बताइए कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स या कितने मेन को मेडल मिले, ठीक है। इसको थोड़ा बेन डायग्राम से मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए समझिए क्या है, आप ये हमारे पास यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होगा रेक्टेंगल, ये एक आपके पास क्या होगा पहला मैच क्या आपका फुटबॉल है, इसको एफ लिख लो, इसको आप बी लिख लो, और इसको आप सी लिख लो, ठीक है। 3 मैन ऐसे थे जिनको तीनों में मेडल मिला, फुटबॉल में मिला और किस मिला? बास्केटबॉल में मिला और क्रिकेट के अंदर भी मिला, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मैन हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में मेडल मिले। तो ये चीज़ वो ये पूछना चाह रहा है कि बताइए इसमें कितने आदमी आएंगे, यहाँ पर जो आएंगे वो और यहाँ पर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो मैन हैं उनका नंबर बताइए आपको। मान लेता हूँ फुटबॉल और बास्केटबॉल में एक्स कैंडिडेट को मेडल मिला, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्या हुआ? एग्जैक्टली फुटबॉल और बास्केटबॉल, ध्यान रखिए एक्स। यहाँ पर मान लेता हूँ फुटबॉल और इसमें क्रिकेट में, फुटबॉल और क्रिकेट में मान लेता हूँ वाई लोगों को मेडल मिला, और फुटबॉल और सॉरी बास्केटबॉल और क्रिकेट में वाई, और फुटबॉल और क्रिकेट को मैं जेड मान लेता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। जरा ये बताना कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? देखिए ये जो मैंने एक्स माना है ना वो एग्जैक्टली एफ इंटरसेक्शन बी माना है। आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एग्जैक्टली एफ इंटरसेक्शन बी मैंने क्या माना है? एक्स माना है। और आपसे पूछा जाए बताइए नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो एफ इंटरसेक्शन बी का ये पार्ट होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट होगा ना वो क्या होगा? एफ इंटरसेक्शन बी। और ये खाली जो एक्स वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, ये जो पार्ट है ये जो एरिया है ये क्या होगा? एग्जैक्टली एफ इंटरसेक्शन बी होगा जो मैंने एक्स माना है। उसी तरह से एग्जैक्टली बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? वाई होगा। और एग्जैक्टली एफ इंटरसेक्शन सी क्या होगा? जेड होगा। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे करना है टू फाइंड के एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये मुझे बताना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स को मेडल मिले मुझे ये बताना है। मैंने फुटबॉल और बास्केटबॉल को एक्स मान लिया है, तो मैंने देखूंगा कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में मुझे कितने मेडल मिले।
फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट में बाई मान लिया है मैंने, और फुटबॉल और क्रिकेट को कितना मान लिया है, जेड मान लिया है। अब मुझे बताना है कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ से मुझे बताइए कि यदि एक्स ये थ्री है तो एफ इंटरसेक्शन बी कितना होगा, एफ इंटरसेक्शन बी यही तो होता है ना, ये होता है, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और जरा मुझे बताना कि बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा बाई प्लस थ्री, ठीक है। और जरा बताइए कि नंबर ऑफ द एफ इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, जेड प्लस थ्री, ठीक है। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ द बी प्लस नंबर ऑफ द सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ द एफ इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तीन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपको जो वैल्यू दे रखी है, आपके पास यूनियन दे रखा है कितना 58, हाँ यहाँ पर 58 रख लीजिए, इक्वल टू ये कितना दे रखा है आपके पास, नंबर ऑफ एफ 38 प्लस बी 15 एंड 20 माइनस, ठीक है ना। ध्यान रखिए ये कितना है आपके पास, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूँ माइनस का, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इन सब में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप यहाँ पर ब्रेक लगा दीजिए सर, और यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एफ इंटरसेक्शन बी आएगा आपके पास एक्स प्लस थ्री, ठीक है। बी ओ सी कितना आएगा, बी ओ सी आएगा बाई प्लस थ्री, ठीक है। और एफ ऑफ इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, जेड प्लस थ्री, प्लस कितना है आपका, ये नंबर है आपके पास थ्री, तीनों में थ्री इतना आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 20 और 38 58, ये 58 से 58 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ पर होगा 15, ठीक है सर। माइनस ये आएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, और 3 3 3 9 हो जाएगा, और ये आपके पास आएगा प्लस 3, ठीक है ना। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो जीरो इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस बाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ये आपके पास 18 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 15 और 3 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसका मतलब है x प्लस बाई प्लस जेड को आप इधर ले आइए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड जो है वो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9, इसका मतलब है x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल जो मैन होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे, तीन स्पोर्ट्स में, ध्यान रखें, तीन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल जो मैन आएंगे वो कितने आएंगे, 9 मैन आएंगे। आपने एग्जैक्टली एफ और बी में कितना माना था, बाई माना था, और यहाँ पर सॉरी एक्स माना था, यहाँ बाई, और यहाँ माना क्या माना था, जेड माना था। आपको बताना था कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपने पहले यहाँ से एफ इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, एफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपने निकाला बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, बाई प्लस थ्री, ये निकाल लिया। फिर एफ इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, जेड प्लस थ्री आएगा, ये आ गया। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एफ यूनियन बी यूनियन सी जो है वो नंबर ऑफ एफ नंबर ऑफ द बी नंबर ऑफ द सी माइनस दिस इंटरसेक्शन माइनस दिस, और माइनस होता है और प्लस ही होता है। मैंने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन मैंने क्या कर दिए हैं, अंदर चेंज कर दिया, ठीक है ना। बात समझ आ गई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे बताइए कि बात आपकी समझ में आई है या नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखने की कोशिश करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, यही हमारी फीस होगी, राइट। थैंक यू वेरी मच।